नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ दनिल यादव। वक्त हो चुका है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। कर्नाटक में आखिरी सभा में बोले पीएम मोदी, सांप से तुलना करने वाले विरोधी जाल ने मुझे श्रीकंठेश्वर स्वामी से विष पीने की ताकत मिली। सूडान से लौटे 210 भारतीयों से मिले पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में अगर कोई भी हिंदुस्तानी फंस जाता है तो हम सोते नहीं हैं। नीतीश राणे ने संजय राउत को सांप कहा, बोले वो उद्धव ठाकरे की राजनीति खत्म करना चाहते, 10 जून को एनसीपी ज्वाइन करेंगे। कर्नाटक को भारत से अलग करने की कोशिश कर रही कांग्रेस, पीएम मोदी बोले 10 मई को मिलेगा जवाब। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के बीच जेपी नड्डा ने देखी द केरला स्टोरी, बोले फिल्म में आतंकवाद का नया रूप देखा। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, बोले निकाय चुनाव में भाजपा रूपी कचरे को निकालकर बाहर फेंकेंगे। विधायक इरफान की पत्नी पहली बार मांग रही है वोट, कहा मैं पति की जिम्मेदारी निभा रही हूं, सपा को मजबूत करना है। सोनभद्र पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, निकाय चुनाव में बीजेपी और निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा की है। संजय निषाद ने कांग्रेस पर कसा तंज, बोले कांग्रेस को जनता ने बैन कर दिया, देश में भगवान राम और बजरंग बली का नारा नहीं। मिर्जापुर में सपा बीजेपी गठबंधन ने कोल प्रत्याशी पर लगाया दांव, 96 सीट पर अपना दल गुट के प्रत्याशी का विरोध नहीं कर रहे सपाई। किंग चार्ल्स की ताजपोशी के अगले दिन हुआ कॉन्सर्ट, स्पेशल गाउन पहनकर शामिल हुई सोनम कपूर, विलियम बोले पा आप पर गर्व है। बारह साल बाद अरब लीग में सीरिया की वापसी, काहिरा में वोटिंग के बाद फैसला 19 मई को सौंप दी जा सकते हैं सीरियाई राष्ट्रपति। यूक्रेन ने रूसी हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराया, अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल का इस्तेमाल किया, कहा ये रूस के मुंह पर तमाचा। नेतन्याहू बोले अकेला ईरान 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर, अमेरिकी सांसदों से कहा वो इजराइल को छोटा तो अमेरिका को बड़ा शैतान समझते हैं। चीन बोला कश्मीर पर एक तरफा फैसले गलत, इस्लामाबाद में बैठक कर कहा भारत पाकिस्तान बातचीत में मामला सुलझाएं। हैदराबाद ने पहली बार चेंज किया 200 प्लस का स्कोर, फ्री हिट ने पलटा पासा, अब्दुल समद ने आखिरी बॉल पर छक्का मारकर जिताया। गुजरात प्लेऑफ से एक जीत दूर, लखनऊ को 56 रन से हराए, गिल के 94 रन, मोहित शर्मा ने छटके 4 विकेट। हरियाणा कुश्ती संघ का एक्शन, धरने पर बैठे रेसलर्स का समर्थन करने पर 3 जिला कुश्ती संघों के सचिव सस्पेंड, मिर्चपुर की अकेडमी निलंबित। एशियन गेम्स के लिए बैडमिंटन टीम का ऐलान, साइना नेहवाल को जगह नहीं, 20 खिलाड़ी करेंगे भारत का प्रतिनिधित्व। संदीप की नो बॉल से हारे राजस्थान, फ्री हिट पर 6 मारकर समद ने हैदराबाद को जिताया, बटलर फिर से शतक से चूके। नवाजुद्दीन बोले मेरी जिंदगी बहुत घिनौनी है, मेरी लाइफ पर बनी फिल्म कोई नहीं देखना चाहेगा, अगले जन्म में नवाज नहीं बनना। ये जवानी है दीवानी 2 पर बोले रणबीर कपूर, आयान के पास स्टोरी है, 1-2 साल में ब्रह्मास 2 से पहले आ सकती है फिल्म। थिएटर से निकलते दिखी कंगना रनौत, मैक्सी ड्रेस में आई नजर, फैंस बोले आप जलपरी लग रही हैं। जैकलीन ने जानवरों के लिए रखे पानी से भरे बर्तन, बोली गर्मी के दिनों में जानवरों को हाइड्रेट रखने में आप भी मेरा साथ दें।
प्रदीप ने एक लाइन ड्रेस वाली ड्रेस में दिखे मलाइका अरोड़ा, फैंस के साथ फोटो भी क्लिक करवाई, मुस्कुराते हुए पेपराजी को पोस्ट दिए। फिलहाल 5 मिनट की 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।